أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. آج محفل اقبال شناسی کی 739 نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری के कॉन्फ्रेंस हॉल में 25 दिसंबर 2013 ईस्वी 21 सफर 1435 हिजरी बरोस चार शंबा बाद नमाज असर मस्जिद अलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हो रही है, जिसका अनवान फिक्र इकबाल सोज़ फिक्र व सोज़ आरज़ू। आज के मुखरिज साहब के तारुफ की मैं चलना ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं करता कि उन्होंने हमसे कई मरतबा खिताब किया है इसी महफिल में, और हमेशा हमने हमारे महाफिल के दस्तूर के मुताबिक मुखर्रिर साहब से ही ख्वाहिश की है कि वो उन्वान दें। चुनाचे आज का भी उन्वान मौसूफ का ही दिया हुआ है। हजरात, ये बड़ी अफसोस की बात है कि दराज सी छुट्टी आए और हमारी हाजिरी मुतासिर हो जाए, और हालांकि छुट्टी का दिन ऐसा होता है कि कॉलेज, स्कूल और दीगर लोगों को भी जो है कारोबार से फुर्सत होती है, लेकिन बदकिस्मती है प्रोफेसर साहब हमें 3-4 महीने में एक मरतबा मुखातिब करते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है और कई सामईन की ख्वाहिश होती है कि वो हमें मुखातिब करें। चुनाचे वो वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, और उनका अंदाज बयान और मवाद खिताबत का ये खुद इस बात का सबूत होता है कि वो कितनी गहराइयों में जाकर मुतालिया करते हैं, और फिर इन हजरात को सुनने के लिए ये जो वेबसाइट है सारी दुनिया में ख्वाहिशमंद होते हैं, लोग देखते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, टेलीफोन्स के ऊपर भी टेप्स ले जाते हैं, और फिर यही नहीं बल्कि जब कभी आते हैं तो वो हमारे एलानियाँ जानना चाहते हैं, और एलानियाँ लेकर बेरिन मुल्क से आए हुए लोग भी, और फिर अखबार भी नुमायाँ तौर पर इनके खिताबात को शाया करते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर, हमारी बदकिस्मती है कि दो
इकबाल कलाम इकबाल सुनाने वाले सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब और हमारे रऊफ़ साहब दोनों भी आज गैर मौजूद हैं, वरना हम हमारे तौर तारीख के मुताबिक कलाम इकबाल सुनकर थोड़ा सा महसूस होने के बाद हमें मुखर साहब से गुजारिश करना पड़ता था कि वो, लेकिन अब मैं चूँकि कलाम इकबाल सुनाने के लिए अगर कोई सुनाना चाहते हैं तो तशरीफ़ लाएँ, और नहीं सुनाते हैं तो फिर प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन साहब हमें मुखातिब फरमाएंगे। जज़ाकअल्लाह। शहनशीन पर शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोजिज़ सामईन करम, जो जिस उन्वान का आज इंतखाब किया गया है वो है सोज़ आरज़ू सोज़ फिक्र। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक जिक्र और फिक्र का थोड़ा सा डेफिनेशन, जिसकी बुनियाद पे हम एक लेक्चर या एक बात एक बहस तैयार करते हैं, वो आपसे आपके गोश गुजार करा दूं। इकबाल ने एक मुकाम पर कहा है कि मुकाम फिक्र मिखालात बू अली सेना, मुकाम फिक्र पैमाइश ज़मान व मकान। अगर नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन किए बगैर बात करते हैं, उसकी बिना पर वो सब्जेक्ट अमली जिंदगी में लागू करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन अल्लामा फिक्र इकबाल, फिक्र इकबाल, फिक्र इकबाल जो हम दिन रात ये सुनते हैं, तो इकबाल की जबान में उसका डेफिनेशन ये है कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट माई थॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एफर्ट ऑफ ए फिलोसोफर, साइंटिस्ट, फार्मेसिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। यही नहीं बल्कि फिर मैं जब फिक्र की बात करता हूं तो वो दरअसल पैमाइश ज़मान और मकान पे मुहित होती है। जब फलसफे में जिंदगियों की तशरीह होती है तो उसके मानों की वसत भी बे इंतहा होती है, उसको बड़ी आसानी से कूजे में बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात तो समझ में आ सकती है आसानी के साथ कि मुकाम जिक्र को अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सुभान रब्बी अलाला। जब आप मुकाम फिक्र से गुजरेंगे तो मुकाम जिक्र पे पहुंचेंगे तो वहां झुक के आप सुभान रब्बी अलाला कहेंगे, वरना पहले से ही सुभान रब्बी अलाला कहेंगे। दाऊद अलैहि सलाम को वार्निंग दी गई थी कि आपको इसलिए नहीं भेजा गया है। तो ये दरअसल मेरी गुफ्तगू का उन्वान है और मैं इसको जो है बिल्कुल तालिब इल्माना ही हद तक रखूंगा, लेकिन उन्वान बहुत गहरा है। आमतौर पे होता है कि इकबाल के जो ज्यादा इस्तेमाल की हुई नज़में हैं या फिक्र के इस्तलाहात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और वही बातचीत होती है। लेकिन थोड़ा सा चूंकि आप हजरात के साथ मैं एक असातजाने के साथ एक तालिबिलमाना जुरत भी कर सकता हूं, इसलिए मैं इकबाल की जरा सा दूसरी नज़मों को अपने पास ले रहा हूं। गुज़श्ता में हम लोगों ये देखा था कि शायर ने, यहां इकबाल ने जब शमा शायर नज़म लिखी तो मेरे ख्याल में यह है कि इकबाल के जहन में तमाम तख्लीफकार शायर के उनवान पे मौजूद होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, सोशियोलॉजिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, फिलोसोफर्स होंगे, ये तमाम लोग एक मुकाम पे हैं और इन तमाम लोगों में इकबाल तख्लीकी सलाहियतों को देखना चाहते थे। तख्लीकी सलाहियतों को
देखना इसलिए चाहते थे कि उन्होंने 1924 में मौलाना सुलेमान रदवी को एक खत लिखा, मैं बिल्कुल छोटे छोटे कोटेशन आपके सामने रखूंगा, कि उन्होंने लिखा कि दुनिया इस्लाम इस वक्त एक रूहानी पैकार में मसरूफ है, इस पैकार और इनखिलाब का रुख मुतायन करने वाले खुलूब और अजहान पर शक और नाउम्मीदी की हालत भी कभी कभी पैदा हो जाती है, इसलिए हमको एक नए अंदाज से सोचना चाहिए ताकि इस शक की दुनिया से बाहर निकला जाए। फिर अल्लामा ने अपने पांचवें लेक्चर में इस्लामी सकाफत की रूह में एक बात कही है, वो ये, लेक्चर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। इकबाल जब अपनी फिक्र की बात करते हैं, या जब हम इकबाल के फिक्र की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं शोपेनहावर की, हम बात करते हैं स्पेंगल्स की, हम बात करते हैं नीत्शे की, हम बात करते हैं बरगसा की, हम बात करते हैं इब्न रशीद की, हम बात करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, हम बात करते हैं जमालुद्दीन अफगानी की, हम बात करते हैं, अरे आप जरा उसको गौर करें कि अगर शेक्सपियर की हम बात करते हैं, राम की हम बात करते हैं, नानक की हम बात करते हैं, तो अल्लामा इकबाल इबन खलदून की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, तारीख इस्लाम की बात करते हैं, तारीख इंसानी की बात करते हैं। एक बात जरा गौर करिए कि जिस शख्स की लफ्जियात में, जिस शख्स के अंदाज फिक्र में अल्लाह ताला ने यह तासुर दिया है, क्या उसको घर में बैठ के दिया होगा? आप यूरोप के सहरा, यूरोप के बर्फीले सहराओं में उनको देखा होगा, बर्फीले सहरा। इकबाल भी जहां तक इस्तलाहत का मतलब है, इकबाल बहुत खतरनाक है। शाही गदाए दानाए अस्फूर हो गया, महासरा अदराना में लफ्जियात इकबाल की एक आलम यह है कि लश्कर भूखा था तुर्की, एंड्रियन पे हमला किया और लोगों के घरों को लूटना शुरू किया, उसकी तशरीह ऐसी है, शाहीन गदाए दानाए अस्तूर हो गया। वो शाहीन चुड़िया जिससे दाना लेके खाती है जिसका बचा कुचा, वो शाहीन अब उस अस्फूर का, उस चिड़िया का दाना की तरफ अब झपट रहा है। तो जैसे ही जो है मुफ्ती आजम को, मुफ्ती आजम होते थे तुर्की की मिलिट्री के साथ, आप सलाहुद्दीन अयूबी के जमाने से, उसने कहा कि लश्करे मुस्लिम पे जिम्मी का माल हराम है, तो वह उसकी तशरीह इकबाल ने ऐसा की, छूती न थी यहूद नसारा का माल फौज, मुस्लिम खुदा के हुक्म से मजबूर हो गया। यहां अब जरा सा सिर्फ जो लोग इस बात को समझ सकते हैं, याद रखें कि जब हम मैदान अमल में यहां से बाहर निकल के जाते हैं तो शाहीन गदाए दाना या असफूर है या नहीं है, इसको आप जहन में रख लें। अच्छा, फिर यह है कि इसीलिए इकबाल और एक अपने इस्लामी सकाफत की रूह, जो इकबाल का पांचवा लेक्चर है, उसमें ये कहते हैं कि इंसान के शऊर जात की तकमील होगी तो यूं ही कि वह खुद अपने वसाइल से काम लेना सीखे, यानी फिक्र इकबाल की तमाम तर जद्दोजहद, जब हम उसके ऊपर बात करते हैं तो आपकी औकात की खराबी की बात नहीं करते, बल्कि हम आपसे इस बात का मुतालबा करते हैं, इस बात की हमारी कोशिश होती है कि आपके सीनों में वो बात उतरे कि अल्लाह ताला ये कहता है कि इंसान के शऊर जात की तकमील होगी तो यूं ही नहीं कि वह खुद अपने मसाइल से काम ले, अपने वसाइल से काम लेना सीखे, अपने वसाइल से काम लेना सीखे। और बार बार अक्ल और तजुर्बे पर जोर दिया, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अगर कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पैसा तो बात समझ सकते हैं। देखिए, जो बातें हम इकबाल के रेफरेंस से यहां करते हैं, वो बातें यूरोप में और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग प्रैक्टिस करते हैं इकबाल के बगैर रेफरेंस के। फिर अपने छठे लेक्चर में, जिसमें यह है कि अल जहाद फिल इस्लाम,
یہ اقبال کا چھٹا لیکچر ہے، اس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی نشاط ثانیہ ناگزیر ہے، یعنی اسلام کا پھر اٹھ بیٹھنا اور چھا جانا ضروری ہے، جیسا کہ میرے نزدیک ہے، یعنی جیسا کہ میرے نزدیک قطعی طور پر ہے، یعنی اقبال کے نزدیک اسلام کی نشاط ثانیہ ممکن ہے، تو ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے عقلی اور ذہنی ورثے کی قدر و منزلت کا جائزہ لینا پڑے گا. جو ہماری تاریخ ہے، جو ہمارا علم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم کو کرنا پڑے گا. لہذا جب میں آج اقبال کی فکر پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور جو اقبال کی لائنز میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، وہ ان باتوں کے کانٹیکسٹ میں رکھیے، کیونکہ میں یہ تینوں باتیں آپ کو جو لیکچرز اور مولانا سلیمان ندوی کے خط سے میں نے یہ آپ سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے جہاں ہمیں اپنی بحث اور تحقیق کے ذریعے، اپنی علم اور جدوجہد کے ذریعے نئی دنیا کی ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی. لاسٹ ٹائم شاعر نے شمع سے سوال کیا تھا کہ از کجا این آتش اندوز، از کجا این آتش عالم فروز اندوختی. اے شمع، یہ کیا کمال ہے کہ تو نہ صرف روشنی دیتی ہے بلکہ یہ پروانہ تجھ پہ جل مرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ ہمارے احباب اس بات کا جواب دیں، کہیں میں اپنے استاد کے پاس سے لے آیا، میں اپنے والد کے پاس سے لے آیا، میں اپنے بھائی کے پاس سے لے آیا، میں اپنے پڑوسی کے پاس سے لے آیا، میں اپنے مسجد کے امام سے لے آیا. ہے کوئی؟ از کجا این آتش عالم فروز اندوختی، یہ دنیا کو روشن کر دینے والی آگ ہے، اے شمع تو کہاں سے لے آئی؟ وہ آگ اقبال اپنی پوری نئی نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بغیر نئی دنیا کی تشکیل ممکن نہیں ہے. غلام قوموں کے علم عرفان کا کیا کہنا، اگر زمین اگر تنگ ہے تو فضائے گردوں ہے بےکرانہ ان کے لیے. لیکن جو لوگ نئی دنیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے علم اور علم ہی پہلا اور آخری سہارا ہے. یہ بات یہی ختم نہیں ہوتی، کیوں نہ یہ پوچھ کے خاموش ہو جائیں کہ از کجا این آتش عالم فروز اندوختی، بلکہ یہ بھی پوچھ رہا ہے کرم کے بے مایا را، یہ بے مایا کیڑا اس کے سینے میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح جل مرنے کی اور مگر آرزو کی تکمیل کرنے کی خواہش پیدا کر دی تو نے؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے بولے نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اقبال شوق دیدار کے اس فکر کو، اس سوز کو، اس ضد کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ضد آپ کے اندر موجود ہے کہ دنیا عمل میں کامیابی کی آپ آرزو کریں. جب یہ دو سوالات شمع سے کیے جاتے ہیں تو اب دیکھیے شمع کا جواب کیا ہوتا ہے. شمع بولتی ہے، مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، جو صبح کی ہوا مجھے موت کا پیغام دیتی ہے، لب اسی موجے نفس سے ہے نوا پیرا تیرا. تو اسی موجے نفس کو استعمال کر کے اپنے زبان کھولتا ہے اور دنیا کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے. میں تو جلتی ہوں کہ ہے مزمر میری فطرت میں سوز. یہ میری فطرت ہے کہ میں جلتی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جب جلتی ہوں تو روشنی ہوتی ہے، اس روشنی سے علم اور عشق پیدا ہوتا ہے. علم والے علم حاصل کرتے ہیں، عشق والے تڑپ تڑپ کے اسی جدوجہد میں جان بھی دے دیتے ہیں. میں تو جلتی ہوں کہ ہے مزمر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا. تو صرف واہ واہ ہی چاہتا ہے. گریے ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک،
शबनम अफशां तू के बज़्म में गुल में हो चर्चा तेरा, ऐ तख्लीक़कार ऐ शायर, यानी समझिए कि इकबाल सामने खड़े हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि शमा से, तो अब शमा की बारी है कि वो इकबाल को जवाब दे रही है कि तू क्या बोल रहा है यार, व्हाट एवर यू वांट इज दिस, पीपल शुड प्रेज यू, तेरी काबिलियत, आपकी काबिलियतों को सराहें, आपकी काबिलियत का बदला दें, ये आपका मकसद है। लेकिन मैं क्या कर रही हूं, मैं तो जलती हूं कि है मुजमिर मेरी फितरत में सोज, तू फिरोजा है कि परवानों को हो सौदा तेरा, गिरिए सामा मैं के मेरे दिल में है तूफान अश्क, शबनम अफशां तू के बज़्म में गुल में हो चर्चा तेरा। तू जब सामने आता है, जब कुछ करना चाहता है तो तू लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता, इसमें तेरी अपनी जाती मिफाद कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, इसलिए ये तेरी नाकामी की एक मिसाल बन सकती है। गुल बदामन है मेरे शब के लहू से मेरी सुबह, मैं रात भर जो अपना खून जिगर जलाता हूं, अपनी तपिश अपनी हरारत जलाता हूं, उस खून जिगर के बदले में क्या होता है, मुझे क्या महसूस होता है कि गुल बदामन है मेरी शब के लहू से मेरी सुबह, यानी मेरी सुबह को चार चांद लग जाते हैं जब मैं रात भर अपना खून जिगर जलाता हूं। है तेरे इमरोज से ना आशना फरदा तेरा, मैं तो जानती हूं कि रात भर जलाती हूं तो सुबह मुझे क्या मिलने वाला है, तू जलता है और सब कुछ करता है लेकिन तुझे यह नहीं पता कि तेरा कल क्या है, यानी फिक्र से महरूमी की वजह से तू इस बात से नावाकिफ है कि आज की मेहनत और जद्दोजहद और जुस्तजू हरारत और तपिश के बदले में तुझे कल क्या मिलने वाला है। यूं तो रोशन है मगर सोजे दुरू रखता नहीं, ऐ शायर ऐ क्रिएटिव एक्टर ऐ तख्लीकार तेरे अंदर शोला तो है, आग तो है, तपिश तो है और कुछ रोशनी भी नजर आती है मगर सोजे दुरों रखता नहीं। देखिए दुनिया में सोजे दुरों की सबसे बड़ी पहचान होती है मां, और मां के दामन में करिश्मे पैदा होते हैं और करिश्मे परवरिश पाते हैं, तो सोजे दुरों के मतलब को समझने के लिए भी आपको जो है एक अलग लेक्स, एक अलग डिक्शनरी, एक अलग किस्म के जो है आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि यूं तो रोशन है मगर सोजे दुरों रखता नहीं, शोला है मिसले चरागे लालए सहरा तेरा, बे लुत्फ बे आग बे तपिश बे हरारत शोला है तेरा। सोच तू, अब बात हो रही कि तू रहनुमा बनना चाहता है अपनी कौम का, तू अपनी कौम का रहनुमा बनना चाहता है, तू अपनी कौम के दुख और दर्द का मदावा करना चाहता है। सोच तू दिल में लखब साखी का है जेबा तुझे, तू क्या इल्म तकसीम कर रहा है या तखलीक के तरीके बता रहा है या नई दुनिया की ईजाद के तरीके बता रहा है, आखिर क्या कर रहा है कि सोच तू दिल में लखब साखी का है जेबा तुझे, अंजुमन प्यासी है और पैमाना बेसहबा तेरा। दावा तो बड़ा लाफ गुजाफ का है, अपनी सलाहियतों और अपनी काबिलियतों को चार चांद लगाने के दावा मौजूद है, लेकिन और है तेरा शार, आईन मिल्लत और है, जिश्त रोई से तेरा आईना है, रुस्वा तेरा, जिश्त रोई से तेरी आईना है रुस्वा तेरा, जब तेरी खराब सूरत तेरा आईना देखता है तो आयना खुद अपने आप की बदनामी महसूस करता है। क्यों काबा पहलू में है और सौदाई ये बुतखाना है, किस कदर शोरीद असर है शौक बेपरवा तेरा, खैस पैदा हूं तेरी महफिल में ये मुमकिन नहीं, तू इतना स्टेज पे खड़े रह के, डाइस पे खड़े रह के, क्लासरूम में ठहर के, क्राफ्ट रूम में ठहर के, लेबोरेटरीज में ठहर के तू चाहता है कि खैस पैदा करे, दीवाने पैदा करे अपने महफिलों के, ऐसा करना चाहता है तू, लेकिन चूंकि तेरी जो हालत में ऊपर बयान किया हूं उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि खैस पैदा हो तेरी महफिल में यह मुमकिन नहीं, तंग है सहरा तेरा, महमिल है बेलैला तेरा।
ऐ दुरे ताबिंदा, ऐ परवरदे आगोश मौज, ऐ दुरे ताबिंदा, ऐ परवरदे आगोश मौज, लज्जते तूफान से है ना आशना दरिया तेरा। आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है वो खतरा ऐसा कभी गौहर नहीं बनता। न सिर्फ ये बल्कि ये भी के जिससे दिल दरिया मुतलातिम नहीं होता, आए खतरा ऐसा वो सदफ क्या, वो गौहर क्या। अगर एक नई कौम और एक नई मिल्लत को अगर आपको पैदा करना है, क्योंकि आप मौजूदा हालात देख रहे हैं, देखिए आने वाले दौर में आप नहीं संभलेंगे तो करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। ये दुनिया तो अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं छोड़ दिए खला के लिए। खैर, ऐ दुरे ताबिंद, ऐ परवरद, ऐ आगोश मौज, लज्जते तूफान से है ना आशना दरिया तेरा। अब नवाब पहरा है क्या, गुलशन हुआ बरहम तेरा। तूने स्पेन छोड़ा, तूने तुर्की की नैया डुबो दी, तूने हिंदुस्तान के जहाज को गर्क कर दिया, तूने अपनी इज्जत और नामोस की नीलामी कर दी कौमियतों के नाम पे, अरब के नाम पे, जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरबों को चकमा दिया, और वो सिलसिला आज तक जारी है आपके हर चीज आपके सामने। अब नवाब पैरा है क्या, गुलशन हुआ बरहम तेरा, बेमहल तेरा, तरन्नुम नगमे नगमे बेमौसम तेरा। यानी अब तू अगर गायते बैठे, अब बादे बहारी का पैगाम से कोई ऐसी कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन ये रोना जो इकबाल की फिक्र का था कि अब तू जाम लेके आया तो क्या, अब तालीम लेके आया तो क्या, अब अपना मैसेज लेके आया तो क्या, आह जब गुलशन की जमीयत परेशान हो चुकी, फूल को बादे बहरी का प्याम आया तो क्या, आखिरी शब दीद के काबिल थे बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या, फूल बेपरवाह हैं। अगेन व्हाट आई लाइक इन इकबाल इज दिस, ही कम्स बैक टू अस और फिर ये बोलता कि फूल बेपरवाह हैं, तू गर्मे नवा हो के ना हो, तू अपनी आवाज में चाहे जितनी तपिश पैदा कर ले, लेकिन ये फूल तो बेपरवाह है, इनको तो वो चाहिए नहीं। कारवां बेहिस है, आवाजे दिरा हो या ना हो, कारवां भी तेरी बात सुनने वाला नहीं है। क्यों, शम में महफिल हो के तू जब सोज से खाली रहा, शम में महफिल हो के तू जब सोज से खाली रहा, तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाने रहे। जिसकी नतीजे में क्या हुआ, शौक बेपरवा गया, फिक्रे फलक पैमा गया, तेरी महफिल में ना दीवाने ना फरजाने रहे। यानी अब सुनाने से कोई फायदा नहीं, जो दीवाने और फरजाने ये सुन के कुछ करिश्मे कर दिखाते थे वो है कहां यहां। ये तो सदाए सहरा और सदाए बादस मर्ग है। खैर तू साखी सही लेकिन पिलाएगा किसे, खैर तू साखी सही लेकिन पिलाएगा किसे, अब ना वो मैकश रहे बाकी ना मैखाने रहे, रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक गर्दिश में जिस साखी के पैमाने रहे। मतलब ये कि आए मुगल शहीनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, यू आर दैट। कल तलक गर्दिश में जिस साखी के पैमाने रहे, वो गुंबदों की शक्ल में आज भी हमारे सामने हैं, चाहे इबरत हासिल करें या चाहे कोई और किस्म का सबक हासिल करें। हमारी हालत तो यह है कि हम जब सोचते हैं तो लगता है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। तो ये बातें आप जरा गौर करिए कि फिक्र इकबाल की ये चुपती हुई बातें, सोज़े इकबाल की आरजू तरक्की और डेवलपमेंट है, एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मिल्लत को सामने ला खड़ा करना है ताकि वो दुनिया की इस जद्दोजहद में शामिल हो और एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करे, क्योंकि इस्लाम में वो सलामती है कि कौमें उसको कबूल कर सकती हैं।
लेकिन फिर इन तमाम बातों के बावजूद इकबाल के पास फिर एक उम्मीद की, इकबाल बीइंग लव्ड फॉर दिस, कि इकबाल कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। इकबाल की लफ्जियात है, इकबाल के फिक्र में यह बात है कि वो बदलती हुई कौमों का साथ देता है, बदलते हुए माहौल में अपने जो मकसद पे जमे रहने की वो तालीम देता है। वो इकबाल के पास बड़ी खास बात है। अब इकबाल ही कहते हैं कि शाम गम लेकिन खबर देती है सुबह ईद की, ये शाम गम तो है लेकिन देती है खबर सुबह ईद की, जुल्मत शब में नजर आई किरण उम्मीद की, मुजदए मुजदा ए पैमाना बरदारे खुमिस्ताने हिजाज, मुजदा खुशखबरी ओ उस्ताद ओ टीचर ओ प्रोफेसर ओ साइंटिस्ट ओ रिसर्चर ओ शायर ओ अदीब, मैं तेरे लिए खुशखबरी दे रहा हूं कि मुजदा ए पैमाना बरदारे खुमिस्ताने हिजाज, बाद मुद्दत के तेरे रिंदों को फिर आया है होश। फिर यह हुआ है कि ला साखी शराब खाना साज, फिर वो इल्म ला, फिर वो नॉलेज ला जिससे जिंदगी बनती है ओ साखी, फिर यह हुआ है कि ला साखी शराब खाना सोज, दिल के हंगामे मगरिब ने कर डाले खामोश। जब मगरिब ने आपको मुकम्मल तौर पर एक सारिफ महज में कन्वर्ट कर दिया है तो आपके दिल में तो वह हंगामे और तुम्हारे मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर ला लीजिए, पढ़ाई खरीद लीजिए, अकल जरूरत नहीं है, सोचने के लिए कंप्यूटर मौजूद है, गलत लिखे सही कर देता है। तो खुमिस्ताने फिर यह हुआ है कि ला साखी शराब खाना सोज, दिल के हंगामे मैं मगरिब ने कर डाले खामोश, नगमा पैरा हो कि ये हंगामे खामोशी नहीं, बोल अब बोल, ये कौम तैयार, मुझे तो नहीं मालूम कि हमारी कौम तैयार है, लेकिन इकबाल ये कहते हैं कि नगमा पैरा हो कि यह हंगामे खामोशी नहीं, है शहर का आसमां खुर्शीद से मीना बदोश, सुबह का जो आसमान है लुक उसके सुबह सुबह जो उसकी मीनाकारी नजर आ रही है वो खुर्शीद के आने की इत्तला है, यानी एक नई सुबह के आने की इत्तला है, एक नवी उम्मीद के आने की इत्तला है। तो अब बोल अपनी कौम को, क्यों दर गमे दीगर बसोजो दीगरा राहम बसोज, गुफ्तमत रोशन हदीसे गर तोवानी दारे गोश, अगर तेरे समाद पे तकलीफ दे ना गुजरे तो मैं तेरे को वो रोशन हदीस सुनाऊं, कह गए हैं शायरी जुजवी इस तस पैगंबरी, अगर तू शायर है तो वो जुजवी पैगंबरी यानी पैगंबरी का एक हिस्सा है, तो सुना कौम तैयार हो गई अब, और वो पैगंबरी के जो मियारत हैं और पैगंबरी की जानशीनी का जो हक अदा करना है वो अदा कर। जब ये कहा जाता है कि थोड़ा सा आप लोग नगमा पैरा हो, यानी इकबाल ये कह रहे हैं शायर से कि भाई यानी शमा शायर से ये कह रही है कि नगमा पैरा हो ये हंगामे खामोशी नहीं, है शहर का आसमां खुर्शीद से मीना बदोश, यानी ये एब्जॉर्ब करने के लिए ये लेने के लिए बिल्कुल तैयार अपनी जगह खड़ा है। दर क्यों ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है, शमा ये कह रही कि ये जिम्मेदारी तुम पर डबल हो जाती है, क्यों दर गमे दीगर बसोजो दीगरा राहम बसोज, गुफ्तमत रोशन हदीसे गर तवानी गर तो आनी दार गोश, अने तू सुनने के लिए तैयार है तो मैं एक रोशन हदीस बता सकता हूं कि शायरी भी पैगंबरी का एक हिस्सा हो सकती है, मगर कुछ बोल ऐसा, कह गए हैं शायरी जुजवे तस पैगंबरी, हां सुना दे महफिले मिल्लत को पैगामे सरोश। अरे उठ के खड़े रहो, वो उस एंजिल का उस फरिश्ते का पयाम जरा कौम को सुना दे, वो क्या पयाम अल्लाह ताला ने भेजा है वो कौम को सुना दे, आंख को बेदार कर दे वादे दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहरे गुफ्तार से। अगर हमारे उस्ताद के पास, हमारे शायर के पास, हमारे तख्लीकार के पास अगर जौहरे गुफ्तार अगर नहीं होगा तो क्या होगा। आंख को बेदार कर दे वादे दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहरे गुफ्तार से, रहजने हिम्मत हुआ जौखे तनासानी तेरा,
इतना आराम तलब कि तेरी हिम्मत को चुरा ले गया तेरा ज़ौक़े तनासाए। बहर था सहरा में तू गुलशन में मिसले जू हुआ, अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गुल को परेशान कारवाने बू हुआ। जिंदगी खतरे की सिखलाती है असरारे हयात। अरे तेरे को सीखना हो तो एक खतरे से अपनी जिंदगी के असरार सीख। जिंदगी खतरे की सिखलाती है असरारे हयात, ये कभी गौहर कभी शबनम कभी आंसू हुआ। फिर कहीं से इसको पैदा कर बड़ी दौलत है ये। जिंदगी कैसी जो बेगान, जिंदगी कैसी जो दिल बेगान है पहलू हुआ, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी। आबरू बाकी, देखिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग एंड लेक्चरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंपार्टिंग समथिंग एंड टेलिंग यू दैट हाउ मच नॉलेज आई हैव। जब मैं आपसे बात करूंगा तो बखुदा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि जो बात आपकी समझ में आए उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अमल में लाइए। अगर आप, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। यह इस्तग़ना है, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी। जमीयत जब ये जमीयत गई दुनिया में रुस्वा तू हुआ। और जमीयत के लिए क्या चीज है, देखिए ये इस्तग़ना है जो पानी में निगू रखता है सागर को। कंटेंटमेंट इज व्हाट सबमर्ज द कप इन द वॉटर। यह इस्तग़ना है जो पानी में निगू रखता है सागर को। तुझे भी चाहिए दुनिया में मिसले आप जो रहना, पानी में बुलबुले की तरह रहना, क्योंकि इससे बढ़ के इंसान की कोई जिंदगी है नहीं। लेकिन एक बात और याद रख, न हो अपनों से बेपरवाह इसी में खैर है तेरी, न हो अपनों से बेपरवाह इसी में खैर है तेरी। अगर मंजूर है दुनिया में ओ बेगाना खू रहना, क्योंकि इसकी मौजूदगी में ही आपके पास फर्द कायम, रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बेरोन दरिया कुछ नहीं। खी मजन हो वादिये सीना में मानिंदे कलीम, शोले तहकीक को गारत गरे काशा न कर। किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तरे तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। यानी जिस कुर्सी से आपको ढकीला गया है, दूर कर दिया गया है, जिस मुकाम से आपको गिरा दिया गया है, वो मुकाम है कि जहां अल्लामा इकबाल ने के जो दो लेक्चर्स का मैं आपको अभी रेफरेंस दिया, उन रेफरेंसेस में इकबाल ये कहते हैं कि खत्म नबूवत का मसला दरअसल इंसान को उसके खदमों पर खड़ा करने का मसला था, ताकि वो अपनी जहनी और फिक्री सलाहियतों से काम ले और एक नई दुनिया तामीर करे इस्लाम की रोशनी में। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, हम जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में बच्चे क्या कर सकते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि दिमाग से खाली हैं, मकासद से खाली हैं, सोजे फिक्र है ना सोजे आरजू, जिंदगी के किस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं वो खुद नहीं जानते, तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ये जिम्मेदारी आप हजरात के ऊपर है। खीमा जन हो वादिये सेना में मानिंदे कलीम, शोले तहकीक को गारत गरे काशा ना कर। शम्मा को भी हो जरा मालूम अंजामे सितम, शमा खुद कह रही है कि मिस्टर शायर, माय डियर शायर, माय डियर क्रिएटिव मैन, एक बात तो समझ लो अच्छी तरह कि ये जो शमा मैं जो हूं, मुझे भी आखिर मालूम हो कि मैंने क्या अंजामे सितम किया है। रात भर मैं परवानों को जलाती रही, मुझे बताइए, लेकिन खाक वो परवाने की खाक से एक नई दुनिया बसा ले, तो एक नई सुबह सामने ले आए। शमा को भी हो जरा मालूम अंजामे सितम, सरफे तामीरे सहर खाकस्तरे परवाना कर। सहर की तामीर में परवाने की खाकस्तर को इस्तेमाल कर, ताकि यह तो मालूम हो कि मैंने जो जुल्म किया था उसका अंजाम क्या हुआ। एक नई सुबह का वजूद, तू अगर खुददार है
मिन्नत कशे साखी ना हो, ऐन दरिया में हुबाबा सा निगूं पैमाना कर। इकबाल के पास खुदी और खुददारी की बड़ी अहमियत होती है। देखिए जो नेशें जो कौमें खुददार होती हैं उन्हीं के बच्चे तजुर्बेकार और क्राफ्ट्समैन होते हैं। अगर क्राफ्ट्समैनशिप अगर आपको पहचानना है और जानना है तो समझिए कि खुददार कौमों की नई नस्लें होती हैं जिनके पास क्राफ्ट्समैनशिप हुनरमंदी और कोई ना कोई नई दुनिया को तख्लीक करने नई चीजों को तख्लीक करने की उनके अंदर सलाहियत होती है। ये कैसे हो सकता है? खाक में तुझको मुकद्दर ने मिलाया है अगर तू ऐसा उस्ताद से पैदा मिसाले दाना कर, यानी जिस तरह जमीन से दाना एक नई चीज सामने आती है उस तरह कर। हां इस शाखे कोहन पर फिर बना ले आशियां, अहले गुलशन को शहीद नगमे मस्ताना कर। आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहखा जरा, अगर तू दहखा है दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू, अगर तू लीडर है आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे राह, तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचे चाके गिरेबा में कभी, खैस तू लैला भी तू सहरा भी तू मोहमिल भी तू। वाय नादानी के तू मोहताज साकी हो गया, वाय नादानी के तू मोहताज साकी हो गया। मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैर अल्लाह को। बेखबर तू बेखबर तू जौहरे आई नए अयाम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। क्यों गिरफ्तार है तिलसे में हेच मकदारी है तू, देख तो पोशीदा तुझ में शौकत तूफान भी है। जरा देख तेरे अंदर जो शौकत तूफान छुपी हुई है उसकी तरफ देख, तू ये रिसोर्सलेसनेस की कैफियत में क्यों मुब्तला है? हेच मकदारी यानी कम रिसोर्सेस। क्योंकि जो जब लोग हमारे आबा व अजदाद जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे तो क्या था, जब वो स्पेन में दाखिल हुए तब क्या था, जब यूरोप में दाखिल हुए तब क्या था, यानी ये हेच मकदारी से कुछ ये जो जहन में जो गिरफ्तार है तिलसे में हेच मकदारी है रिसोर्सलेसनेस की कैफियत है। मगर इस जंग को जीतने के लिए खुद साहिब आलम ने कितने जख्म खाए है? कोई क्वेश्चन किसी के पास इस सवाल का जवाब? क्यों गिरफ्तार है तिलसे में हेच मकदारी है तू, देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है। हिफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बे तेगो तुफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। लेकिन ये एक बड़ी जादूगरी की बात हो गई कि बेतेगो तुफंग मैं हिफ्त किश्वर कैसे फतह कर सकता हूं, इस दुनिया और कायनात पर कैसे हमला कर सकता हूं? इल्म से, सिंपल से जाओ इल्म से। तो रबी जिदनी इल्मा इखरा बे इसमें रबी कल लजी, ये तमाम जो हैं तलबुल इल्मी फरीजतुन उतलबुल इल्मी वलौकाना बिसैन, ये सब क्या है? फकत एक नुकता है ईमान की तफसीर। तो आपके पास ये सब के बगैर ईमान है ये कमाल है। तू ही नादा चंद कलियों पर खिनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी है दामा भी है। मैं फिर उसको खत्म करता हूं थोड़ा सा। फूंक डाला है मेरी आतश नवाई ने मुझे और मेरी जिंदगानी का यही सामा भी है, यानी फूंक जाना यही मेरी जिंदगी का सामान है। मिट जाना जैसा दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, अगर एक दाना जमीन में बोया जाता है तो वो अपनी जिंदगी मिटा देता है और कहीं जाए। और यही काम वालदेन भी करते हैं, वो मिट जाते हैं उनके औलाद को बनाने के लिए। लेकिन ये बात कुछ समझ में आपके फिक्र में या किसी मुकाम पे ये बात कहीं छुपी हुई नजर आती है? कभी आप ये बताते हैं कि हम, या बच्चों से कभी ये उनको एहसास होता है कि हम जो है हम अपने मेरे मां बाप खतरा खतरा अपनी जिंदगी मेरे नसों में मुंतकल कर रहे हैं? कभी आपके बच्चों को एहसास होता है? आज दिस क्वेश्चन। राज इत आतश नवाई का मेरे सीने में देख, मैं इतना बेचैन क्यों हूं, क्यों इतना तड़प तड़प के बोलता हूं? तू इसका राज जानना चाहता है तो मेरे सीने में घुस के देख,
मेरे नहीं, इकबाल के सीने। हालांकि मुझे मुझ में भी वही एहसास आता है, लेकिन मैं इकबाल का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले सकता। राज इस आतश नवाई का मेरे सीने में देख, जलवे तकदीर, जलवे तकदीर मेरे दिल के आईने में देख, जलवे तकदीर मेरे दिल के आईने में देख। यानी तेरी तकदीर का अगर जलवा तू देखना चाहता है तो मेरे मेरे अंदर मेरे सीने में जो मेरी आतश नवाई है उसको देख, और तू अपनी तकदीर देखना चाहता है आने वाले दौर की तो वो भी मेरे दिल के आईने में देख। आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा अप्पा हो जाएगी, यानी जक के साथ गुजर जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बादे बहार, निखते खाबीदा गुंचे की नवा हो जाएगी। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, जितने नफरतों के जितने दुश्मनियों के ये वाली कौमियतें थीं और वो ग्रुप्स थे और वो सब, आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशा मेरी पैदा करेगी सोजो साज, इस चमन की हर कली दर्द आशना हो जाएगी। देख लोगे सितवते रफ्तार दरिया का माल, मौज मुस्तरही उसे जंजीर पा हो जाएगी। नाले सयाद से होंगे नवा सामा तुयूर, खून गुलची से कली रंगी खबा हो जाएगी। इतने कांटे चुभेंगे कि कली की खबा रंगीन नजर आएगी, और इतने सयाद आके आपके अतराफ खड़े हो जाएंगे कि आप की चीखों से सुन के वो खुद परेशान हो जाएंगे। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वह हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। शुक्रिया। मुखर्री साहिबीन किस कदर तैयारी से आपको अंदाजा हुआ होगा, ये अंग्रेजी में एक मकूला है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यानी जब तक के मुताले के लिए शबसी पूरी रात तक गुजारे, क्योंकि सुकून होता है, तफक्कुरात से दूर होते हैं, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता, कंसंट्रेशन होता है, ये इस बात का सरतापा सबूत है कि कितनी गहराइयों में हमें ले जाते हैं। और ऐसी चीज़ें जिससे कि हम शायद यानी अशार से संतोषी स्वास्थ्य होते हैं कि उसमें तवाजुन कायम होता है शेर में, और हम वाह वाह करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दरिया छुपे हुए हैं वो सीना चाक करके ही बताते हैं कि जो है उसके अंदर क्या होते हैं, कितनी गहराइयाँ होती हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें एक बहुत ही नसीहत अफरोज बात बताई कि आप ये सुन के सिर्फ वाह वाह ना करें बल्कि अमल पैरा भी हों उसके ऊपर। जाहिर है हम यहाँ से जब उठेंगे तो दिल में कुछ ना कुछ दिलो दमाग में तहिया करके उठेंगे कि साहब इस लेक्चर से हमें कुछ सीखना है और अमली हमें सबूत देना है कि हमें यह तब्दीली आई है। मैं खुशी है, ये हम तो चाहते हैं कि हर महीना कम से कम एक लेक्चर दें, लेकिन एक दो महीने में तीन महीने में एक लेक्चर देते हैं, और मतालबा होता है लोगों का कि भाई कब तशरीफ ला रहे हैं प्रोफेसर साहब। और फिर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अखबार भी नुमाया तौर पर शाया करते हैं ऐसे खिताबात को, और जाहिर है कि ये जो वेबसाइट है ये भी हमारे महफिल के आशिकों का फराहम करता है, और वो वेबसाइट की वजह से आज दुनिया के कोने कोने में हमारी महफिल की कदर कीमत है। बाहर से आने वाले ख्वाहिश करते हैं कि भाई इसमें हम शरीक हों, और आप देखते हैं कि कई मरतबा बहरून दूर से आने वाले भी शरीक होते हैं। खैर, अब ये तमाम चीज़ें जाने दिए, आपसे गुजारिश है कि अगर पहले अगर आपको ये बुलेटिन ना मिले हों ताज़ा, तो ये ताज़ा बुलेटिन ले लीजिए जो 28 जो 1 जनवरी तक के हैं। 1 जनवरी में चार शंबा जो अगले चार शंबे को, उसमें पहले तो ये कि 28 दिसंबर को गज़वा खैबर का पस मंज़र, गज़वा तो सभी जानते हैं, जंग छोटी जंग कहिए बड़ी जंग कहिए, गज़वा खैबर यानी खैबर की जो लड़ाई हुई थी उसका पस मंज़र, इसको एक
आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद महामद हिलाल आज़मी साहब मुखातिब कर रहे हैं और फिर सालनों का जश्न शरीयत की रोशनी में नामवर प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब मुखातिब कर रहे हैं 30 दिसंबर को। वो ऐसा जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हमारे मुखरीन ये उन्मानात रखते हैं और इस उन्मानात से ताल्लुक़ होता है पस मंज़र का, और ये जो है सालनों का जश्न शरीयत की रोशनी में है, शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 519वीं नशिस्त 30 दिसंबर को है और उसके बाद 1 जनवरी को आपके जाने पहचाने इकबालियात के नामवर स्कॉलर जनाब मुस्तर मजाज साहब, जिन्होंने फारसी कलाम का तर्जुमा किया है, वो हमें महफिल इकबाल शिनासी की 740वीं नशिस्त मुखातिब करेंगे। मुझे खबी तवक्को है कि ये उन्वान भी उनका बड़ा दिलचस्प है, इकबाल की नज़्म फ़ख्र के बारे में, फ़ख्र पेश से है फ़ख्र, इकबाल की नज़्म फ़ख्र के बारे में, तो ये हमारी 1 जनवरी को है महफिल इकबाल शिनासी की शिस्त, इसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए। चूँकि आज का खिताब तकमील को पहुँचा है, मैं हमारे मुखरिज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फरमाएँ। اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره مشکل امت مرحومہ کی آسا کر دے مورے بے مایا کو حمدوش سلیمہ کر دے جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے ہند کے دائر نشینوں کو مسلمہ کر دے آمین